Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum students. I am Mohammed Saud, lecturer in mathematics, Bahria College, Karsas. Excellence Online के प्लेटफॉर्म से मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ. मैं 25 सवाल आपको करवा चुका था ECAT मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की टेक्निक्स के हवाले से, सॉल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर ऑफ NAD टेस्ट के हवाले से. आज मैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद की सीरीज लेके हाजिर हुआ हूँ. इसमें ये सवाल जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो चैप्टर नंबर 13 जो हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे रिलेट कर रहा है. अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ टैन टू टैन इनवर्स थीटा. अब देखें जी, फॉर्मूला एक डिफाइन कर रहा हूं यहां पे कि टू टेंजेंट इनवर्स थीटा ये बराबर होता है टेन इनवर्स टू थीटा ओवर वन माइनस थीटा स्क्वायर. मैंने पहले भी अर्ज किया था और अभी भी दोबारा बता रहा हूं कि कराची बोर्ड के हवाले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेशुमार फॉर्मूलाज होते हैं, मगर वहां की कोर्स मटेरियल के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से इतने फॉर्मूले पढ़ाए नहीं जाते, मगर ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले फर्स्ट ईयर फेडरल की बुक में पढ़ाए जाते हैं. अब एप्टीट्यूड टेस्ट में पूरे पाकिस्तान का कोर्स कवर अप होता है, इसीलिए NAD हो या कोई और भी यूनिवर्सिटी हो, वो फेडरल बोर्ड की किताब से भी सवाल बना सकता है. तो आप जब भी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करेंगे तो कोशिश करें कि आप पंजाब बोर्ड यानी कि फेडरल बोर्ड की बुक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोथ, इसके अलावा कराची बोर्ड की दोनों किताबें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप अच्छी तरह पढ़ के जाएं विद फॉर्मूलाज के साथ. ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की बुक में मिलेगा, टू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू टू थीटा ओवर वन माइनस थीटा स्क्वायर. आपसे पूछा जा रहा है कि टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहां पे, ये आपको याद होना चाहिए. टेन इनवर्स एक्स थीटा की जगह क्या एक्स, तो यहां पे 2x लिखूंगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये देखिए कि ये जो चीज आई आपके पास ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है. आप ऑप्शन नंबर डी को राइट क्लिक करेंगे और यही आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 27 की जाने पढ़ते हैं. ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन के टॉपिक से रिलेटेड. अब देखिए यहां पर इफ वाई एक फंक्शन दिया जा रहा है टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. अब आप देखिए कि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये असल में बॉक्स पावर फंक्शन कहलाता है. तो पावर को नीचे गिराइए, पावर में कमी करें और दोबारा इसके बॉक्स को डिफरेंशिएट करें. अब बॉक्स में क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डेरिवेटिव का 1/1 + x² होता है. तो देखिए 2 × tan−1x / 1+x². अब देखें ये किस ऑप्शन से मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है, इसको आप टिक करें, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 28 की जाने बढ़ते हैं जनाब. इत्तेफाक की बात है ये भी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन से ताल्लुक रखता है. अब इसमें एक फंक्शन बना के दिया है और कहा जा रहा है एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अब देखिए भाई यहां पर सबसे पहले एफ ऑफ एक्स
देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसके साथ उसने एल्जेब्रिक फंक्शन को जो है जोड़ के दिया है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही है, एक टर्म जो है डिवाइड में लिखी है। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे हम डायरेक्टली इसमें। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो टर्म्स अगर ए बी मल्टीप्लाई में लिखे हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी कर लो। तो यहां पे मैं लिखूंगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एल एन साइन एक्स माइनस, और डिवीजन वाले को माइनस में ले आओ, लॉगरिथमिक अंडर रूट वन माइनस एक्स। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब करना ही है आपने, थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिए जैसे पावर है, पावर को लॉगरिथम से पीछे ले आइए, नीचे उतार लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एल एन एक्स प्लस, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे रहेगा, एल एन साइन एक्स माइनस, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर हाफ, हाफ को नीचे उतार लीजिए, हाफ एल एन वन माइनस एक्स। जनाब अब डिफ्रेंशिएट करें से, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स, टू अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस एल एन बॉक्स वन अपॉन बॉक्स, और बॉक्स को दोबारा करेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस वन ओवर टू एल एन बॉक्स वन ओवर बॉक्स यानी कि वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जीरो माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख ले, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू ओवर एक्स, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, प्लस का कॉट एक्स। अब इसको करें सिंप्लीफाई, देखिए ये जीरो तो आ गया खत्म, माइनस इस माइनस पे गिरेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया जनाब। इसके बाद देखिएगा आप के ये वन वन जा वन ऊपर आ ओवर, ये टू इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी, टू वन जा टू माइनस टू एक्स। अब देखिए कि ये ऑप्शन आपके पास कहां लाई कर रहा है, ए बी सी डी में, तो ये ऑप्शन जनाब आपके पास ऑप्शन में बी है, इसको आप टिक करें, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका ताल्लुक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डी स्ट्रेट लाइन से है। इसमें पूछा जा रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स डैश एंड डैश यानी कि एक्स कॉमा माइनस टू एंड माइनस टू कॉमा टू इज 5 यूनिट्स। अब देखें एक मैं रफली जो है लाइन ड्रॉ करता हूं और पॉइंट्स का नाम देता हूं एक्स कॉमा माइनस टू, इसके बाद माइनस टू कॉमा टू, इसका डिस्टेंस निकाल के दे दिया है 5 यूनिट्स। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करें। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब देखिएगा जनाब यहां पे d की वैल्यू वहां पे कितनी है 5, यहां पे रिप्लेस करते हैं 5 अंडर रूट। हमेशा लाइन सेगमेंट में पहले वाले पॉइंट को x1 y1 सपोज करते हैं और सेकंड वाले पॉइंट को x2 y2 सपोज करते हैं। जनाब अब देखिए x2 माइनस x1 यानी माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, इसके बाद टू और माइनस फॉर्मूले का, और ये वाई टू क्या है, वाई वन कितना है माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस का टू स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर रूट खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, फाइव का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहां में बचा माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर क्या हो गया 16, इस 16 को इधर बुलाइए माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 16 प्लस का 9 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए एक चीज डिस्कस कर रहा हूं कि माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, आप यहां से अंदर से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर उसके साथ आएगा,
जब भी माइनस साइन कहीं से कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाली टर्म प्लस प्लस वाली माइनस हो जाती है, दोनों माइनस के, तो ये बन जाएंगे एक्स प्लस टू का स्क्वायर, और स्क्वायर माइनस पे गिरेगा तो प्लस बन जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं यहां पर एक्स प्लस टू का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट बनेगा प्लस माइनस साइन। अच्छा, नाइन का रूट डायरेक्ट निकाले थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब यहां पे देखते हैं ना, आइदर कर ले थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहां से टू इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन, क्योंकि थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, ये इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस फाइव। अब यहां देखें कि ऑप्शंस में वन और माइनस फाइव कहां आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है आपको, इसको आप टिक करें, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्टी की जानिब बढ़ते हैं, ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर एट कॉनिक सेक्शन का, उससे ताल्लुक रखता है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है वो हम पढ़ते हैं। वेन फोसाई, फोसाई या फोकाई भी बाज औकात पढ़ा जाता है इसे, फोसाई हमारे पास है प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो, यहां से कंपेरिजन करके मैंने सी की वैल्यू निकाली, सी स्क्वायर नाइन आ गया, फिर वर्टिसेस देखिएगा, वर्टिसेस प्लस माइनस टू कॉमा जीरो, यहां से कंपेरिजन करें तो ए आएगा, ए इज इक्वल टू टू, स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे फोर। अब कह रहा है डी इक्वेजन ऑफ हाइपरबोला, आपके पास हाइपरबोला की इक्वेजन क्या होगी। अब देखें हाइपरबोला का एक रिलेशन होता है, वो इस्तेमाल करूंगा बी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। यहां देखिएगा बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां पे देखिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर नाइन माइनस फोर फाइव के बराबर हो गया। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि कौन सा केस हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स यहां पर जो है प्रेजेंट है, वाई एब्सेंट है, एक्स प्रेजेंट है वाई एब्सेंट है, इसका मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस होगी, और इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है जो कैलकुलेट किया पुट करें, एक्स स्क्वायर ओवर फोर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइव, फाइव और फोर का जो एलसीएम निकलेगा वो ट्वेंटी आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा ट्वेंटी क्रॉस मल्टीप्लाई करें फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो यहां पर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो आप क्या करेंगे ए ऑप्शन को टिक करेंगे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की जाने पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक क्लास 10th मैथ्स टॉपिक है लॉगरिथम से लिया गया। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैथ्स में लॉगरिथम बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, मगर एनएडी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट पेपर्स में छोटी छोटी सी टॉपिक जो है क्लास मैथ जो मैट्रिक का मैथ्स है उससे रिलेट करते हुए वो आपसे लॉगरिथम के सवाल पूछता जरूर है। अब लॉगरिथमिक इक्वेशंस ज्यादातर आती है और लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको पहले रिव्यू दे दूं कि किस तरीके से हम वहां पर सॉल्व करते थे। ये आपके पास लॉग लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है आपके पास ये बॉक्स और ये ट्राइंगल है इज इक्वल टू सर्कल, ये आपकी कहलाती थी लॉगरिथमिक फॉर्म या इक्वेशन। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें
या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो क्या करते थे, लॉग के नीचे जो भी बेस होता था वो लिखते थे, इज इक्वल टू के बाद जो भी है वो उसकी पावर बन जाती थी, और लॉग के सामने जिसका लॉग कैलकुलेट करना है वो इज इक्वल टू के बाद इधर आ जाता था। ये कहलाती थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इस सवाल को इसी अंदाज में सॉल्व करते हैं, log x 6x minus 8 is equal to 2। मैं क्या कर रहा हूं, x ये लिखा, इस 2 को इसकी पावर बनाऊंगा is equal to, और इसको मैं is equal to के बाद शिफ्ट करूंगा 6x minus 8। अब ये तकरीबन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप इधर शिफ्ट करें, x square minus 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल से हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, 8 वन 8, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 टू 8 माइनस 4 और माइनस 2 ऐड करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। x कॉमन निकालें, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन निकालें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकालें x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को आइदर करके इक्वेट करा लें, x की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और x की एक वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखते हैं ऑप्शन में ये कहां आ रहा है। अब ऑप्शन में आपके पास a में 2 आ रहा है और 4 C में आ रहा है, और एक ऑप्शन और दिया है जिसमें D में लिखा है बोथ A एंड C, तो इसका मतलब है हमारे जो आंसर दो आ रहे हैं 4 और 2 वो A में भी आ रहा है और C में भी, और मगर ऑप्शन नंबर D के मतलब दोनों ऑप्शन सही है A और C, तो हम D ऑप्शन को राइट क्लिक करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब बढ़ते हैं, इसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज से। अब इसमें उसने खुद ही टॉपिक का नाम दे दिया है, कह रहा है दी एनिथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जीपी का जो है ये टॉपिक है। अब इसने सीक्वेंस दे दिए, उसकी एनिथ टर्म पूछ रहा है, या उसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। इसके दो तरीके का है, आपको पता चल गया ये जीपी है, आप जीपी वाले फॉर्मूले सॉल्व करके इसकी जनरल टर्म मालूम कर लें, और अगर आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो एक और शॉर्टकट तरीका हो सकता है, वो ये कि आपको ये बात मालूम है कि डोमेन ऑफ दी सीक्वेंस क्या चीज होती है। यहां लिख रहा हूं मैं डोमेन ऑफ सीक्वेंस, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड अप, ये क्या कहलाती है डोमेन ऑफ सीक्वेंस। आप इन फॉर्मूले में बाकायदा n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 तीन टर्म्स है, 1, 2, 3 पुट करके चेक कर ले कि उससे ये टर्म्स बन रही है या नहीं बन रही। देखिए भाई n इज इक्वल टू 1 यहां डालता हूं, 1 से ये मल्टीप्लाई हो रूट 2, पहली टर्म नहीं बन रही, इसका मतलब है आपके पास ये ऑप्शन तो क्रॉस लगा दे। अब आइए n इज इक्वल टू 1 डाला आपने, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 भी यहां पे पहले टर्म में नहीं है, तो b ऑप्शन को भी आप क्रॉस लगाइए। अब आइए c, n इज इक्वल टू 1 डालते हैं, तो 1 डालने से 2√2 पहली टर्म आ गई। अच्छा इसको और चेक कर लेते हैं, अगर मैं 2 डालता हूं यहां पर तो देखिएगा जरा 2√2 स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पे पड़ा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू 8, इसका मतलब सेकंड टर्म में आ गई। थर्ड टर्म भी चेक कर लेते, 3 डाल के 2√2 इसका क्यूब, ये इसके ऊपर आएगा 2 का क्यूब 8, अच्छा ये इसके ऊपर आएगा पावर हाफ है, तो किसी भी बेस की पावर ये बन जाएगी 3/2, और 3/2 किसी भी बेस की पावर ऐसे लिखते हैं, उसी बेस को एक दफा लिखते हैं और उसी बेस को रूट में लिख देते हैं, √2, 8 2 16 √2। तो अब देखिए क्या थर्ड टर्म वही आ रही है, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1, 2, 3
सी ऑप्शन में पुट करने से पहली, दूसरी और तीसरी डा मारिए, तो आपका राइट आंसर यही होगा। इसको क्लिक करें, यही आपका आंसर है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर अख्ताम पजीर हुआ। अब तक मैं आपके पास 32 सवाल एनईडी पास पेपर के ई कैट के हवाले से सॉल्व कर चुका हूं। इंशाल्लाह ताला अगली सीरीज में इससे आगे के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 से मैं लेके हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज, और इंशाल्लाह ताला एक्सेलेंस ऑनलाइन जो है वो देखते रहिएगा, आपको आगे के मेरे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज़।